वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परमिंदर सिंह वालों आप सब का स्वागत है। जगत जलंधे का परोपकार करते हुए धन धन साहिब श्री गुरु नानक पातशाह एक बार लाहौर की धरती से भी पहुंचे। इस लाहौर के बछिंदे जड़े ने इन मोह माया लैके बहुत ही भरम भुलेखे सन। मोह माया के गलतान जीवन बतीत कर रहे थे। इन्हां नूं बाहर कढ़न दे वास्ते गुरु साहब जिहड़े ने इन्हां दा पार उतारा करन वास्ते ही लाहौर पहुंचे सी। पुरातन समयां दी गल है कि जिहदे कोल जिन्ना धन हुंदा सीगा उह अपने चबारियां दे उत्ते उन्ने ही झंडे लगाया करदा सी। मन लो जेकर किसी कोल 1 लाख रुपया हुंदा सी तां उह अपने चबारे ते 1 झंडा लगा दिंदा सी। इसे तरह एक दुनी चंद शाहूकार होया, उसने अपने चबारे दे उत्ते 7 झंडे लगाए हुए सी। महाराज उन्हूं अपने दर्शन दिदारे देंदे ने, संगत करदा है शाहूकार दुनी चंद, ते उन्हूं इस भरम दे विचों कढ़न दे वास्ते मोह माया दे जाल चों कढ़न दे वास्ते गुरु साहब उन्हूं एक सूई दे देंदे आ अते उसनूं कहिंदे आ कि इसनूं मेरी इमानत समझ के सांभ के रख लेना भाई, इसनूं असीं तुहाडे तों परलोक च जाके लवांगे। 7 बचन महाराज कह के दुनी चंद शाहूकार घरे आ जांदा। सारी गलबात आके अपनी घरवाली नूं दसदा है ते घरवाली कहिंदी है कि पती जी परलोक दे विच तां कुछ भी नहीं जांदा, तुसीं इह सूई जिहड़ी है परलोक दे विच गुरु नानक पातशाह नूं वापस किवें दवोगे। इह सुण के उह वी हैरान हुंदा कि इह गल मेरे मन विच क्यों नहीं आई। तां उस दी घरवाली उस नूं कहिंदी है कि सूई तुसीं जा के तुरंत गुरु नानक पातशाह नूं वापस करके आओ। दुनी चंद शाहूकार मुड़ तों गुरु नानक पातशाह दे कोल पहुंचदा ते कहिंदा कि सतगुरु जी उस परलोक दे विच तां इक सूई भी नाल नहीं जानी, तां मैं परलोक विच इह सूई तुहानूं वापस किवें करांगा। हुण इत्थे फिर गुरु साहब उसनूं समझाउणा करदे आ, उसनूं कहिंदे आ कि शाहूकार जेकर इक सूई भी उस परलोक दे विच नहीं जानी, तूं फिर इन्ना धन इकट्ठा करके करना की है। तां इत्थे फिर उहदियां अखां खुलदियां ने। शाहूकार दुनी चंद जिहड़ा उह फिर चंगे कर्मां दे विच अपना जिहड़ा धन इकट्ठा कीता होया सी उहनूं लाउणा शुरू कर दिंदा। अपने घर की अद्धी जिहड़ी इमारत है उसनूं धर्मशाला दे विच तब्दील कर दिंदा, गरीब लोकां दी मदद करनी शुरू कर दिंदा। कहण दा भाव इह है कि उन्ना ही धन अपने कोल रखदा जिन्ना एक वधिया जीवन बतीत करन दे वास्ते एक मनुख नूं चाहीदा हुंदा। सतगुरु जी दे हरेक एक किस्से दे विचों सानूं बहुत वड्डे उपदेश मिलदे ने जिन्हां ते विचारन दी लोड़ है अते सानूं भी उहनां ते कदमां दे उत्ते चलण दी लोड़ है। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਧਨ ਇੱਕ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਲੋੜਵੰਦ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਪਰ ਧਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਨੀ ਹੀ ਕਰੀਏ ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਸਾਨੂੰ ਪਾਗਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਤੇ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਾਂ, ਕਹਿ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਧਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਗਾ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਜਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਉਦਾਸੀਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਉਦਾਸੀਆਂ ਦੇ ਹੋਰ ਕਿੱਸੇ ਲੈ ਕੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।